हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव वर्मा, आज आपका स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं स्टिल लर्निंग। आज से हम स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जीके, लोकसभा, हिंदी फॉर आरबी एनटीपीसी पार्ट 17। चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं, हर एक को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में पढ़ाया था संसद और राज्यसभा के बारे में। उम्मीद है आपने पहली वीडियो देख ली होगी, और अगर नहीं देखी तो देख लेना, क्योंकि एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं राज्यसभा से रिलेटेड या संसद से रिलेटेड। चलिए तो लोकसभा पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी है। और नेक्स्ट, भारतीय संसद में दो सदन, राज्यसभा और लोकसभा होते हैं। राज्यसभा राज्यों का परिषद होती है, वही लोकसभा यानी लोगों का सदन होती है। और भारतीय संसद के तीन अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। चलिए अब पढ़ते लोकसभा, हर एक को डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि डिटेल में पढ़ना जरूरी है। लोकसभा संसद का प्रथम सदन या निम्न सदन है, और लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। और इसके सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, जैसे कि लोकसभा के चुनाव हुए थे अभी पिछले साल, जो प्राइम मिनिस्टर के चुनाव हुए थे वो यही थे। तो हर कोई इसमें डायरेक्ट मतदान करता है। और भारत का हर नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है, वह लोकसभा के चुनावों में वोट देने का अधिकार ही है। अनुच्छेद 326, साथ साथ अनुच्छेद भी रिवाइज हो जाएंगे आपके। संविधान का अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना को परिभाषित करता है, जो लोकसभा की स्ट्रक्चर है उसको परिभाषित करता है, अनुच्छेद 81। नेक्स्ट, लोकसभा अपनी पहली बैठक के बाद यथाशीघ्र अपने दो सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है, अनुच्छेद 93। मूल संविधान में लोकसभा के सदस्य संख्या 500 थी। जब संविधान बना था तो लोकसभा की सीटें 500 थी, लेकिन इस प्रकार लोकसभा सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 552 निश्चित की गई, जो मैक्सिमम है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 है वर्तमान में, जिसमें से राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से 530 से अधिक तथा संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 20 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। और नेक्स्ट, राष्ट्रीय और राष्ट्रपति आंगल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए अधिक से अधिक दो सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। जैसे कि हमने पहली वीडियो में पढ़ा था, राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता था, वो साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता के आधार पर करता था। ठीक उसी तरह राष्ट्रपति लोकसभा में दो सदस्यों को मनोनीत करता है। और नेक्स्ट, 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा यह कालावधि वर्ष 2026 तक बढ़ा दी गई, मतलब जितनी लोकसभा की सीट है उतनी ही रहेंगी, उसमें वृद्धि नहीं की जाएगी। यह 2026 तक के बाद होगा जो भी लोकसभा की सीटों में वृद्धि की जाएगी। तो यह 84वें संशोधन द्वारा 2001 में बताया गया। और लोकसभा का गठन अपने प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष के लिए होता है, मतलब लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, और 25 वर्ष का व्यक्ति लोकसभा में जा सकता है। और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, अनुच्छेद 75(3). एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो आप ध्यान रखना मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जो अनुच्छेद 75(3) में बताया गया है। और लेकिन प्रधानमंत्री सलाह पर लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के पहले भी किया जा सकता है, ऐसा अब तक 8 बार किया गया है। मतलब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है, 5 साल पहले भी कर सकता है उससे। और आपातकाल की उद्घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जैसे कि अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है, यदि वो पूरे देश में लगाया जाता है आपातकाल, तो लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि की जा सकती है, वो 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 1976 में लोकसभा के कार्यकाल को 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। नेक्स्ट, लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलवाए और स्थगित किए जाते हैं। लोकसभा की दो बैठकें में 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, मतलब 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए दो बैठकों में। और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष एजिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना। पढ़ते हैं लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, और लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार बनी, जो 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी। आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया, 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष कौन थी, तो आप ध्यान रखना 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष मीरा कुमार थी, जो पहली महिला अध्यक्ष भी मीरा कुमार ही बनी। नेक्स्ट, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष
कौन है वो? ओम बिरला बने, 70वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला बने। उम्मीद है आपको पूरी वीडियो समझ आएगी, पूरी वीडियो को अच्छे से समझिए, अच्छे से याद कीजिए, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं लोकसभा से रिलेटेड भी। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, थैंक यू।